कांता, क्या ये सब? लो साहब, आप मेरे साथ यही सब करना चाहते थे ना, और आप मेरे को ऐसी देखना चाहते थे ना? कांता, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही है तू ये? साहब बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? काफी टाइम से आप मेरे ऊपर गंदी नजर रख रहे थे ना। किसने बोला तुम्हें ये बात? अरे तुम मेरे घर की नौकरानी हो, कोई मालकिन नहीं हो जो मैं तुम्हारे ऊपर गंदी नजर रखूंगा। और ये सब क्या है सब? साहब झूठ मत बोलिए, मुझे सारी बातों का पता है कि आप मेरे साथ कितनी गंदी हरकत करना चाहते थे। देखो कांता, अपने ना हाथ पार मत करो, अपनी हद में ही रहो। अगर ये बात तुम्हारी मालकिन को पता चली ना, अभी क्या भी तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगी वो। वैसे भी मालकिन को क्या ही पता चलेगा, मालकिन तो अपने मायके जा रखी है। देख लो साहब, ये मौका ना आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका सिर्फ आपको एक ही बार मिलेगा, क्योंकि मालकिन तो कल आ ही जाएगी। और काफी टाइम से आप सोच ही रहे थे वो सब करने के लिए मेरे साथ, तो मैंने सोचा आज मैं खुद ही आपको मौका दे देती हूँ। और साहब, मैं सोच रही थी कि आज मैं आपको मौका ही दे देती हूँ। सोच लो साहब, एक रात की तो बात है, एक रात में क्या ही चला जाएगा। अरे वाह कांता, आज तो तू बड़े अच्छे मूड में लग रही है, क्या बात, कोई खुशखबरी है क्या? नहीं नहीं साहब, खुशखबरी तो नहीं है, पर आपके लिए एक सरप्राइज है, पर वो सारा सरप्राइज मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मेरे साथ कुछ टाइम तो स्पेंड करो ना। हाँ क्यों नहीं, तू जरा यहाँ तो बैठ। वैसे कांता एक बात बता, तेरा पति तुझे खुश नहीं कर पा रहा क्या, जो तू मुझसे उम्मीदें लगा रही बैठी है? नहीं नहीं साहब, आपको तो पता है ना मेरे पति के अंदर दम ही नहीं है, जैसा दम आपके अंदर है। मैंने आपको और मालकिन को रूम में कुछ कुछ करते हुए देख लिया था, तो मैंने सोचा आपको भी मैं ये मौका दे ही दूं, क्योंकि आपकी तो नज़र मेरे ऊपर काफ़ी टाइम से थी ना। हाँ हाँ कांता, बात तो तू सही कह रही है, मेरी नज़र ना काफ़ी टाइम से तेरे ऊपर थी, पर तुझे समझ आ जाइए है ना, तो फिर क्या हुआ? और वैसे मुझे एक बात बता, तू आज इतनी मेहरबान कैसे हो रही है मेरे ऊपर, कोई मतलब है क्या? साहब क्या बताऊँ, मुझे ना थोड़ी पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि चलो वो सब करके आपसे कुछ पैसे भी ले लूँगी। अरे वाह कांता, तू तो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, तो ठीक है ना, मैं तुझे पैसे भी दूंगा और अच्छे से कपड़े भी, जिससे तू ना मॉडर्न बन के इस घर में रहेगी। तो अब देख, ज़्यादा ना देर नहीं करते हैं, जल्दी से वो सब शुरू करते हैं ना। अबे दूर हट राक्षस से, उधर देख सामने फ़ोन दिखाई दे रहा है, उस पर ना मालकिन लाइन पे है। तुझे पता है ये मेरा और मालकिन का प्लान था, ताकि तुझे हम रंगे हाथ पकड़ सके। अरे कांता, तू ये क्या बकवास कर रही है, और तू मेरे पास में क्यों बैठी है, दूर हट मेरे से। अच्छा मालकिन ने सब कुछ सुन चुका है फ़ोन पे, अब देखो मालकिन कल मायके से आके तुमसे कैसे डिवोर्स लेगी। अरे नहीं नहीं, ये ना सब कुछ झूठ बोल रही है, अरे इसने मुझे अपनी बातों में फंसाया, और अब देखो मुझसे पैसे मांग रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं पैसे मांग रही हूँ? मालकिन ने ना तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी कुछ टाइम पहले ही, और मालकिन ने मुझे ये सब बोला करने के लिए, ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सके। अब देखो मुर्गा जाल में फंस चुका है, अब तुम्हें पता चलेगा ना लड़की को छेड़ने का क्या इंजाम होता है। अरे कांता,